बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। एंड लास्ट टाइम वी डिस्कस द बुक 4 ऑफ नॉवल, दैट इज गुड बाय मिस्टर चिप्स। एंड वी स्टडीड द टॉपिक नंबर 1, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 हाफ हमने डिस्कस किया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 सेकेंड पोर्शन। आज हम इसका देखेंगे। पोर्शन 1 के अंदर हमने डिस्कशन की थी, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस की थी स्कूल के बारे में, और उसके बाद राइटर के बारे में, और इनके नावल का राइटर कौन से वाला, और उसकी शॉर्ट सी बायोग्राफी देखी। उसके बाद मिस्टर चिप्स की अर्ली लाइफ के बारे में क्वेश्चन शामिल थे पार्ट 1 के अंदर, और उसके अलावा ब्रुकफील्ड बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन शामिल थे, और ब्रुकफील्ड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन किस एज के अंदर हुई, ये वाले क्वेश्चन शामिल थे। यानी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो थे वो पार्ट 1 के अंदर शामिल थे, और पार्ट 2 के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। और सो मूव कर रहे हैं आज का पोर्शन सेकेंड यूनिट नंबर 1 का। क्वेश्चन आज है, आर फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में से, फॉर हाउ मच टाइम डिड चिप्स वर्क एट मेलबरी स्कूल एंड व्हाई डिड ही नॉट लाइक इट। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उसने 21 साल की उम्र में, और उसके बाद उसने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था प्राइवेट स्कूल मेलबरी स्कूल। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि कितने साल उसने वहाँ पर काम किया, और उसने और उसको वो पसंद क्यों नहीं था स्कूल, तो रीज़न क्या थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। चिप्स वर्क एट मेलबरी स्कूल ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल काम किया। He didn't like it because the boys teased him there. पसंद नहीं था क्योंकि लड़के वहाँ पर उसको तंग करते थे। He couldn't maintain discipline in the class, so he didn't like that school. वो क्लास को मेंटेन नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसको स्कूल लेफ्ट करना पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पार्ट सेकेंड पार्ट। हाउ वॉज द डे वन चिप्स केम टू ब्रुकफील्ड फॉर इंटरव्यू। अब मेलबरी को जब उसने लीव किया, उसके बाद वो आया ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, तो जब इंटरव्यू के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल हुआ, तो उस वक्त किस तरह का मौसम था। इट वॉज अ सनी डे इन जुलाई, जुलाई का महीना था और धूप थी। व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू, जब चिप्स इंटरव्यू के लिए आया, द एयर वॉज फुल ऑफ स्वीट एंड सल्फर, और पूरा जो माहौल था वो भरा हुआ था फूलों की खुशबू से। अ क्रिकेट मैच वॉज बीइंग प्लेड बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड बार्नहर्स्ट, और क्लब्स के माबेन बार्नहर्स्ट क्लब वर्सेज ब्रुकफील्ड स्कूल, एक क्रिकेट मैच चल रहा था। चिप्स आल्सो रिमेंबर दैट वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, और ये भी बताया गया, चिप्स ने बताया कि बार्नहर्स्ट के एक लड़के ने एक सेंचुरी स्कोर किया था। यानी जो ही वो स्कूल में इंटर हुआ था इंटरव्यू के लिए मेन गेट से, तो साथ ही क्रिकेट मैच ग्राउंड के अंदर चल रहा था, और उस वक्त एक लड़के ने सेंचुरी स्कोर किया था जिस पर खुशी मनाई जा रही थी, तो जिसको वो जो मनाजर हैं वो लम्हात जो हैं वो अभी भी याद थे। एंड द थर्ड क्वेश्चन नाउ, व्हाट डिड चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड एंड व्हाट वाज हिज इंप्रेशन अबाउट इट। ब्रुकफील्ड चिप्स ने कब ज्वाइन किया, और इसके बारे में उसके तासुरात क्या थे। मिसेस ज्वाइन ब्रुकफील्ड इन 1870 बिफोर समर वेकेशन एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र, और गर्मियों की छुट्टियों से पहले उसने ज्वाइन किया। चिप्स लाइक ब्रुकफील्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से उसको यह स्कूल पसंद था। मिसेस वेदर बॉय वॉज हेड मास्टर ऑफ द स्कूल एट दैट टाइम, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए आया था तो यहाँ का जो हेड था वो मिस्टर वेदर बॉय था, और उसने बहुत अच्छी एडवाइसेस की थी चिप्स को, जिसकी वजह से चिप्स का जो फर्स्ट इंप्रेशन था स्कूल के अंदर वो बहुत बेहतर रहा था, और डिसिप्लिन के अंदर उस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जैसा उसको मेलबरी में करना पड़ा, इस वजह से उसको पसंद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फेलो और पर्सन वाज मिस्टर वेदर बॉय। मिस्टर वेदर बॉय किस तरह का शख्स था जो हेड था स्कूल का जब चिप्स इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आया। वेदर बॉय वाज अ हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट पर्सन, एक मुस्तैद और मेहनती शख्स ही। सर्व ब्रुकफील्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर, 30 साल तक उसने सर्व किया स्कूल को। ड्यूरिंग हिज टाइम ब्रुकफील्ड वंस अगेन रीगेन्ड इट्स हाइट्स, और इस दौरान ब्रुकफील्ड ने एक दफ़ा फिर कामयाबियाँ गाड़ी। एंड ही वॉज एन ओल्ड फादरली एंड कर्टियस फेलो, वो एक बूढ़ा और एक शफीक उस्ताद था। एंड चिप्स वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई हिम, और चिप्स उसकी नेचर से बहुत ज़्यादा मुतासर था। वट अ पीस ऑफ एडवाइस डिड वेदर बॉय गिव टू चिप्स ऑन ज्वाइनिंग द ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड ज्वाइन करने पर क्या नसीहत की उसने, यानी कि जो ही उसने ज्वाइन किया तो उसको वेदर बॉय ने आइडिया ले लिया था कि ये लास्ट स्कूल जिसने छोड़ा है वो डिसिप्लिन की वजह से छोड़ा है, तो अब क्या एडवाइस की चिप्स को उसने स्कूल ज्वाइनिंग में। वेदर बॉय न्यू दैट चिप्स डिडंट हैव अ हैप्पी टाइम एट मेलबरी, और वेदर बॉय को ये मालूम था कि मेलबरी में इसका अच्छा टाइम नहीं गुजरा। एंड हिज डिसिप्लिन वॉज वीक, और डिसिप्लिन भी उसका ठीक नहीं। व्हेन चिप्स ज्वाइंड ब्रुकफील्ड, और जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, वेदर बॉय एडवाइज्ड हिम टू गिव हिज एंथुसिएज्म टू ब्रुकफील्ड, तो वेदर बॉय ने कहा था कि अपना पूरा जोश जज्बा लगा दो इसमें, एंड ब्रुकफील्ड वुड गिव हिम समथिंग रिटर्न, और ब्रुकफील्ड भी बदले में आपको कुछ देगा। ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन, और उसने उसको डिसिप्लिन इम्प्रूव करने के लिए भी कहा।
When and how did Weatherby die? Weatherby की death कब हुई? It was 1870 when Weatherby died during the summer vacation. गर्मियों की छुट्टियां थीं और 1870 था जब Weatherby की death हुई. And before Chips could really begin his first term. यानी Chips की hiring हो चुकी थी और उसने बाकायदा स्कूल में पढ़ाना नहीं शुरू किया था जब उसकी डेथ हो जाती है. ही वॉज ओल्ड एंड परहैप्स वॉज सफरिंग फ्राम सम सीरियस डिजीज. बुढ़ापे में था और शायद किसी खास बीमारी के अंदर मुबतला था. हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड. चिप्स का जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ, जब फर्स्ट लेक्चर था, तो बॉयज जो थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया. बिग हॉल वॉज फुल ऑफ 500 बॉयज, 500 स्टूडेंट बैठे हुए थे. दे लुक लाइक लस्टी बारबेरियंस. हट्टे कट्टे थे और बड़े बद तहजीब बच्चे थे. एंड रेडी टू अटैक ऑन हिम, और उसको तंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे. दे वर डिसेंट लिटिल बॉयज सेपरेटली. इनफरादी तौर पर देखा जाए तो वो सारे बड़े शरीफ और बड़े अच्छे बच्चे थे, बट एज अ क्राउड दे वर क्रूअल रफियंस. लेकिन हजूम की शक्ल में वो सारे के सारे जालम बदमाश से कम नहीं थे. हाउ डिड चिप्स फेस हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड. अब ऐसे लस्टी बारबेरियंस और रफियंस जो स्टूडेंट थे, उनकी क्लास फेस कैसे की पहली क्लास. चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेप ऑफ 500 स्टूडेंट्स इन अ बिग हॉल. एक बड़े हॉल के अंदर 500 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल उसने क्लास जो थी अटेंड की. एज ही केम टू द डाइस देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस. जो ही वो डाइस पे पहुंचा, मुकम्मल खामोशी थी. सडनली समवन ड्रॉप द लिड ऑफ द डेस्क. मिस्टर चिप्स फाउंड आउट द बॉय एंड पनिश्ड हिम. अचानक किसी ने ढकरा गिराया, शरारत की. चिप्स ने उसको रिकग्नाइज किया और उसको सजा भी दी. Describe the atmosphere in the big hall when Chips took his first class. जब उसने अपनी पहली क्लास ली तो माहौल किस तरह का था, environment कैसा था. As Mr. Chips took his seat, there was a sudden silence in the class. अचानक से हॉल के अंदर खामोशी छा गई. The clock was ticking behind him. इतनी pin silence थी कि पीछे clock की जो टिक टिक की आवाज़ है वो भी आ रही थी. There was small smell of ink and varnish. और पेंट की जो बू वो भी आ रही थी. रेड रेज ऑफ द सन वर पासिंग थ्रू द स्टेन्ड विंडो क्लास. और खिड़कियों से धूप जो थी वो भी छिन छिन कर अंदर आ रही थी. यानी कि धूप वाला दिन था और खामोशी थी क्लास के अंदर जिस दिन वो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा था. हाउ डिड जिप्स लुक व्हेन ही एंटर्ड द बिग हॉल टू टेक हिज फर्स्ट क्लास. अब अपीयरेंस हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है चिप्स की, कि वो कैसा दिख रहा था जब वो अपनी पहली क्लास लेने के लिए पहुँचा हॉल में. चिप्स लुक यंग एंड फ्रेश. ही हैड विस्कर्स एंड ही वॉज वेयरिंग हाई कॉलर्स. मूछें थी और उसने हाई कॉलर पहना हुआ था, कोट. ही अज्यूम अ स्कोल टू कवर हिज इनर नर्वसनेस. और अपनी अंदरूनी परेशानी को छुपाने के लिए उसने तेवरी चढ़ाई हुई थी. एंड हु वाज कॉले. कॉले कौन था? कॉले वाज अ बॉय हु ड्रॉप द लिड ऑफ द डेस्क इन द वेरी फर्स्ट क्लास. पहली क्लास हॉल के अंदर जो पहला शरारत करने वाला बच्चा था उसका नाम कॉले था. चिप्स टुक एट ब्रुकफील्ड. ही ट्राइड टू मेक अ मिसचीफ. उसने गलती करने की कोशिश की, शरारत करने की. लेटर हिज सन एंड ग्रैंडसन वर आल्सो टॉट बाय मिस्टर चिप्स. इसके बाद कॉली का बेटा और उसका जो पोता था वो भी पढ़ने के लिए वहाँ पर आए. व्हाट वाज चिप्स एक्सपीरियंस विद मिस्टर कॉली इन द वेरी फर्स्ट क्लास. पहली ही क्लास के अंदर कॉली के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जो भी हमने डिस्कस किया है. मिस्टर कॉली यंग स्टूडेंट ड्रॉप द लीड ऑफ द डेस्क इन द वेरी फर्स्ट क्लास. चिप्स टुक एट ब्रुकफील्ड. ही आस्क्ड हिम टू हैव 100 लाइन्स. और फर्स्ट डे उसने पनिश किया कि 100 लाइनें लिख के दिखाओ. दिस इंसिडेंट हैड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द क्लास एंड देर वॉज नो ट्रबल्स एट ऑल आफ्टर दैट. इसका असर बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा था और इसके बाद क्लास में किसी और की शरारत करने की हिम्मत ना हुई. व्हाट डिड चिप्स से टू जूनियर कॉले व्हेन ही मेड अ मिस्टेक. जब उसने गलती की तो उसने जूनियर कॉले से क्या कहा. यानी फर्स्ट कॉले ने फर्स्ट डे मिस्टेक की थी और उसके बाद जो सेकेंड कॉले उसका बेटा पढ़ने के लिए उसने भी क्लास के अंदर मिस्टेक की तो उसको क्या कहा गया. After 25 years, the first college son happened to make a mischief in the class. उसने भी क्लास के अंदर शरारत की. Chips told him that his father was the first boy he ever punished. हमारा बाप वो पहला शख्स था जिसको मैंने first day punish किया था. He deserved it then and you deserve it now. वो तब हकदार था और तुम अब हकदार हो. And the boy felt ashamed. लड़के ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की थी. What did Chips say to the grandson of the first Kohli? अब Kohli उसका बेटा है पढ़ने के लिए और उसके बाद उसका पोता पढ़ने के लिए आया तो उसको क्या कहा. A Kohli, a young student, dropped the lid of the desk in the very first class of Mr. Chips. After many years, the grandson of the first Kohli happened to make a mischief. कई सालों के बाद उसके पोते ने भी शरारत की. Chips said to the grandson of the first Kohli that his grandfather was a stupid fellow. कि जब मैं पहले दिन स्कूल में आया था फर्स्ट लेक्चर में तो तुम्हारा जो दादा था वो बहुत ही बदतमीज शख्स है. इवन हिज फादर वॉज नॉट अ गुड फेलो. तुम्हारा बाप भी अच्छे नहीं था. हाउएवर ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट.
लेकिन तुम उन दोनों से बड़े बेवकूफ़ हो. एंड व्हाट इफेक्ट डिड हिज रिकलेक्शन हैव ऑन चिप्स, और यादें जो थी वो कैसा असर छोड़ती थी चिप्स के ऊपर. व्हाइल लाइंग इन हिज रूम एट मिसेस विकर्ट्स, चिप्स वुड ऑफन रिकॉल हिज पास्ट, अक्सर अपने माजी को याद करता था. ही यूज टू रिमेंबर सर्टन इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी के कुछ वाकयात को याद करता. ही हैड स्पेंड एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में गुजरे. दीज रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफन मेड हिम सैड, और अक्सर माजी की यादें उसको उदास कर देती थीं. व्हाई वाज चिप्स अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड, पहली क्लास लेने में वो हिचकिचा क्यों रहा था. चिप्स वॉज अफ्रेड ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास बिकॉज ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस एट मेलबरी स्कूल. लास्ट टाइम जो स्कूल लीव करके आया था वहाँ पर उसका तजर्बा बहुत बुरा था. वेरी वॉज सैडली टीज्ड बाय द बॉयज, जहाँ पर लड़कों ने बहुत तंग किया था. ही फियर्ड दैट द बॉयज एट ब्रुकफील्ड स्कूल माइट नॉट टीज हिम, और उसे उम्मीद थी कि ब्रुकफील्ड के बच्चे उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे. टीजिंग अ न्यू टीचर ऑन द फर्स्ट डे वॉज अ ट्रेडिशन, सो चिप्स वॉज अ बिट वरीड. लेकिन पहले ही दिन उस्ताद को तंग करना रवाज था, रस्म थी, इसलिए चिप्स थोड़ा परेशान था. एंड वाई 1870 वॉज ईजी टू रिमेंबर फॉर चिप्स, 1870 चिप्स को याद कर रखना या याद करना आसान क्यों था. इट वॉज ईजी फॉर चिप्स टू रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वॉज द पीरियड ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वार, एंड इट वॉज अ ईयर वेन ही ज्वाइन ब्रुकफील्ड एंड मेट एंड वर्क विद वेदरबाई. फ्रांस और जर्मनी की जंग, और उसके बाद ब्रुकफील्ड की ज्वाइनिंग भी इसी साल में थी. एंड मेट वर्क विद वेदरबाई, वेदरबाई के साथ काम करने का भी थोड़ी देर मौका मिला. एंड वेदरबाई आल्सो डाइड इन 1870, और जिसने सिलेक्शन की थी, हायर किया था चिप्स को, उसकी डेथ भी, यानी ब्रुकफील्ड का जो हेड था उसकी डेथ भी 1870 में. इस वजह से उसको 1870 याद था. एंड हु वाज सर रिचर्ड, और रिचर्ड कौन था. सर रिचर्ड वाज अ फादर ऑफ कॉलेज, कॉलेज का बाप था, फर्स्ट कॉलेज था, उसके फादर का नाम सर रिचर्ड था. इसके साथ ही आज का हमारा ये जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट सेकंड जो था वो कंप्लीट होता है. आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, यहाँ पे एक कॉलेज का जिक्र है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉलेज जो था उसने फर्स्ट क्लास में क्या मिसचीव की थी, फिर उसके बाद उसका जो बेटा पढ़ने के लिए है उसने क्या बिहेव किया, फिर उसका जो पोता पढ़ने के लिए है उसका क्या बिहेव था चिप्स के साथ, फिर उसके बाद चिप्स की जो फर्स्ट एंट्रेंस क्लास थी तो चिप्स जो था वो कैसे दिख रहा था, यानी नर्वसनेस का आलम क्या था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था. फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पहली क्लास के अंदर बच्चे ने जब शरारत की तो चिप्स ने जो फर्स्ट इंप्रेशन को कायम करने के लिए जो वेदरबाई ने एडवाइस की थी कि जाते ही क्लास के अंदर स्ट्रिक्ट बिहेव करना है ताकि स्टूडेंट को अच्छे इंप्रेशन मिले, तो फर्स्ट पनिशमेंट जो थी उसका इफेक्ट क्या हुआ था बाद में उसकी टीचिंग पर, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. फिर 1870 उसको याद रखना क्यों आसान था, क्योंकि इसके अंदर ब्रुकफील्ड की ज्वाइनिंग भी हुई, फ्रांस जर्मनी की जंग भी थी, और उसके अलावा वेदरबाई की डेथ भी, ये तीन चार इंपॉर्टेंट इवेंट थे जिसकी वजह से 1870 उसको बड़े अच्छे से याद था. तो ये कुछ चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस किए, और इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. और इसके साथ हम मूव करते हैं आज के हमारे जो सेकंड टॉपिक है इडियोमेटिक फ्रेजेस, और आज हम डिस्कस करेंगे 281 टू 290 इडियोमेटिक फ्रेजेस. सो लेट्स मूव ऑन टू द 281st इडियोमेटिक फ्रेज. गो टू सीट, खस्ता हाल होना. असलम हैज़ गॉन टू सीट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गुरबत की वजह से असलम की हालत बड़ी खस्ता है. गो टू द डॉग, सवाल होना. अ लेजी मैन यूजुअली गोज टू द डॉग, एक सुस्त इंसान अक्सर ही जो है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. गो टू द वॉल, तबाह होना. इफ़ यू डोंट लिसन टू माई एडवाइस यू विल गो टू द वॉल, अगर मेरी नसीहत पर अमल नहीं करोगे तो यकीनन जो है ना वो नुकसान उठाओगे. गो टू रैक एंड रुइन, तबाह होना. द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू रैक एंड रुइन, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाल है. एंड गो विदाउट सीइंग, वाजिया या जाहिर. इट गोज़ विदाउट सीइंग दैट वी कांट लिव विदाउट फूड, ये बात बिल्कुल वाजिया है कि खुराक के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. गिफ्ट ऑफ द गैप, खुश गुफ्तारी की सलाहियत, यानी अच्छा बोलने की सलाहियत. लेडीज़ जनरली हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, ख़वातीन के पास अक्सर ये जो सलाहियत है वो मौजूद होती है. और गेट द बेटर ऑफ, काबू पाना. बाय एंड बाय द ही गॉट द बेटर ऑफ इज ट्रबल, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी मुश्किल पर काबू पा लिया. एंड थर्ड लास्ट, ग्रीस द पाम, रिश्वत देना. वी हैड टू ग्रीस हर पाम टू गेट हिज इंफॉर्मेशन, मालूमात लेने के लिए हमें उसको रिश्वत देना पड़ी. एंड सेकंड लास्ट, हैंड इन ग्लव, जाहिद एंड शाहिद आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, जाहिद और शाहिद जो हैं वो इंतहाई करीब हैं. और हैंग फायर, इल्तवा में पढ़ना. द केस स्टिल हैंग्स फायर, मामला अभी भी इल्तवा में है, यानी तखीर का शिकार है, देरी का शिकार है. इसके साथ ही हमारा 281 टू 290 जो सेशन है इडियोमेटिक फ्रेजेस का वो भी कम्प्लीट होता है. और आज की क्लास के हमारे ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, चैप्टर 1 का सेकंड पोर्शन और साथ ही डिमेटिक फ्रेजेस, आज
ख़त्म होते कंप्लीट होते यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, उसके शॉर्ट से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। इसके अलावा अगर आज का कोई क्वेश्चन है आप